आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो फ्रूटी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, तो ये घर में बहुत जल्दी हो जाती है। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। देख लीजिए इसके लिए मैं क्या क्या सामान चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या क्या सामान चाहिए देख लीजिए। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है, 2 पके हुए आम लिए हैं, 1 कच्चा आम लिया है और ये 200 ग्राम चीनी ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनको छिलका उतार के कट कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही आसान है बनाने में और बच्चे और बड़े सबको पसंद तो होती ही है, तो क्यों ना हम इसको घर में बिना केमिकल के बना के पिलाएं अपने बच्चों को। इस तरह से छिलका निकाल लेंगे इनका। अब इसका सॉफ्ट पार्ट निकाल लेंगे। सारे मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे पीस कट कर लिए हैं, दोनों आम कच्चे और पका हुआ आम को कट कर लिया है। और ये अब हम इसको कुकर में डालेंगे, 1 सीटी लगवानी है बस। इसी में चीनी डाल देंगे, ये भी हमारी मेल्ट हो जाएगी। और ये जो पानी लिया हमने 1 लीटर, ये इसमें डाल देंगे। सारा पानी डाल देंगे इसमें ताकि ये भी एक साथ बॉईल हो जाए और इसको हम 1-2 दिन के लिए रख सकें। देखिए सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया है, इस पे 1 सीटी लगवा देंगे। तो ये देखिए मैंने इस पे 1 सीटी लगवा ली है और प्रेस रखने पर इसको खोला है। अब इसको छान लेंगे। ये जो पानी इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसी को हम ठंडा करके यूज करेंगे। अब इनको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। तो ये मैंने फूड कलर लिया है ऑरेंज, ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी है तो डालो या तो नहीं। इसी से कलर थोड़ा अच्छा आता है, कलर और टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 पिंच मैंने लिया है ऑरेंज फूड कलर। तो देखिए मैंने अच्छे से प्यूरी बना ली मैंगो की इस तरह से। अब हम इसको छान लेंगे। तो मैं उसी पानी में छान रही हूँ। छानना इसलिए जरूरी है ताकि जो इसमें रेशे हैं वो निकल जाएं। देखिए इसमें रेसे निकल आए हैं, इनको हम फेंक देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको एक बार मिक्सी में घुमा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। अब हम इसको बिल्कुल ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब ये थोड़ा और ठीक लगेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मैंगो फ्रूटी बनके रेडी है। ये देखिए नहीं ठीक हो गई है। अगर आपको ज़्यादा ठीक चाहिए तो आप पानी थोड़ा कम डालें
ये देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रूटी बन के रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। इजी और सिंपल रेसिपी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।